राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा मंगलवार देर रात पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरोवर किनारे जयपुर घाट पर बने होटल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी, जहां कार्यकर्ताओं ने गोदारा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पालिका के पार्षद और NSUI के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं गोदारा ने हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में NSUI की जीत पर छात्र नेताओं को बधाई दी। इस मौके पर गोदारा ने बताया कि वे पुष्कर अपनी धार्मिक यात्रा के तहत आए हैं। साथ ही प्रदेश की सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए गोदारा ने बताया कि सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के पिछड़े वर्गों को संबल देते हुए सरकार व्यवसाय करने, शिक्षा के लिए, किसानों को उपकरण खरीदने के लिए ऋण दे रही है। इस दौरान पार्षद ओम प्रकाश टोलिया, टीकम शर्मा, बाबूलाल दगदी, वैद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, भागचंद दगदी, गौरव पाराशर, मधुसूदन पाराशर सहित कई लोग मौजूद रहे। तीर्थराज पुष्कर अपने हिंदू धर्म में है कि जब तक तीर्थराज पुष्कर के दर्शन नहीं होते जब तक हिंदू धर्म में किसी प्रकार से पूर्ति नहीं मानी जाती। तो आज भादवा की दूज थी, शुभ मुहूर्त था, तो उसी लिए हमने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद लेने के लिए, पुष्कर राज का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए माया था। सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम ही था मेरा, धार्मिक ही इसके पीछे मेरा उद्देश्य था। मुझे अभी राजस्थान सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग का चेयरमैन का दायित्व मेरे पास है। पूर्ववर्ती सरकार में भी मुझे यूथ बोर्ड का दायित्व मिला था और युवा कांग्रेस का भी मुझे दो बार अध्यक्ष रहने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पर जो किसी भी, चाहे समाज की बात करें या देश की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उनका भी इस देश के अंदर, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस 36 कौम की बात करती है, हर जाति बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का भी कांग्रेस के साथ आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज दिन तक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार का भी यह उद्देश्य है कि समाज का हर वर्ग तरक्की करे, हर वर्ग को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार ने बना रखी हैं, जिसके अंदर शिक्षा के ऋण की बात करें, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ऋण की बात करें, हर किसान अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी हमारा कॉरपोरेशन ऋण देता है। तो जितने भी ऋण है वो वितरण करने का काम अनुजा निगम का है। तो उस चेयरमैन के नाते मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठा पाएं, पारदर्शिता रहे और किस प्रकार इस ऋण योजना का सरलीकरण किया जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में कांग्रेस की विजय होगी। राजस्थान सरकार अगर बात करें, कितना शानदार बजट दिया। चिरंजीवी योजना की अगर आप बात करो तो हर परिवार उसका लाभ उठा रहा है और किसी भी प्रकार का मतभेद, तो देखिए हर बड़े परिवार में, चाहे बड़ा हो, मतभेद होते भी हैं और होने भी चाहिए। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यहाँ हर किसी को अपनी राय रखने की आज़ादी है। अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस के चुनाव डिक्लेयर हुए, हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको संपूर्ण आज़ादी अगर अपनी बात रखने की है तो कांग्रेस पार्टी में। उसको अगर कोई गलत तरीके से पेश करे, मतभेद की बात करे, तो मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या है। आज देश में हम देख रहे हैं चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है। आप पत्रकार साथी हैं, आप भी अपना परिवार चलाते हैं, आप समाज के चौथा स्तंभ है, तो महंगाई का सामना आपको भी करना पड़ रहा है। आम आदमी को महंगाई का सामना जो करना पड़ रहा है, तो इस जो ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की, केंद्र की सरकार है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। राजस्थान की सरकार तो रिपीट करेगी करेगी। मेरा कहना है कि 2024 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो राजस्थान लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगा केंद्र सरकार की महंगाई की, और जो बेरोजगारों पर, जो गांव गरीब किसान के ऊपर जो केंद्र की सरकार ने अत्याचार किए, आप देखिए किस प्रकार से किसान वर्ग, किसान साथी कईयों महीनों तक बॉर्डर पर अपनी जायज मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पर इस केंद्र सरकार के कानों पर जून तक नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव है। जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे जब देखेंगे, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का जो भी होगा कांग्रेस के हित में होगा। अभी तो सब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सब नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं, 2023 की तैयारी में जुटे। अभी बात है महंगाई की, देश में आप देखें महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, चाहे अशोक गहलोत जी हो या कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। 4 तारीख को दिल्ली में हल्ला बोल रैली है,
पूरे देश में प्रदेश में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। आम आदमी की, गरीब की, जनता की, युवा की आवाज उठाने का काम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के हित में, इस समाज के हित में, भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर चलती है, हर किसी को साथ लेकर चलती है। आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस आग बुझाने का काम करती है। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1-2 अक्टूबर 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।